नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर। अभी के ताजा तरीन हालात कल्याणी महाजन के साथ। सपाक्स पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा गठित समानता मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन। जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, किसानों के साथ साथ और भी कई मुद्दों पर की गई चर्चा। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। प्रशासन ने आचार संहिता का पालन कराने के लिए शुरू की कार्रवाई। पार्टियों के बैनर पोस्टर हटवाए। बेगमगंज में दो मोटरसाइकिल की हुई आमने सामने से भिड़ंत। दुर्घटना में चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक इलाज के बाद चारों को किया गया भोपाल रेफर। सपाक्स पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा गठित समानता मोर्चा के नेतृत्व में जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, किसानों के साथ साथ और भी कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन की शुरुआत स्वर्गीय राजीव नयन और समानता मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण अरोड़ा की माताजी को श्रद्धांजलि देकर की गई। इस दौरान सभी ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। समानता मोर्चा के सभी 14 राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगे की लड़ाई के लिए एक मजबूत एवं सशक्त नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। इसमें सपाक्स पार्टी व नेतृत्वकर्ता के रूप में सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी का नाम सभी 14 राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख ने प्रमुखता से लिया है। इस दौरान समानता मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण अरोड़ा और आरक्षण विरोधी पार्टी के अध्यक्ष दीपक गौड़ ने कहा, यदि हम इस लड़ाई में कुछ हासिल करना चाहते हैं या इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो सभी छोटे राजनीतिक दल एवं संगठनों को सपाक्स पार्टी में विलय होना पड़ेगा, तभी हम देश के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर पाएंगे। सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें ऐसे लोगों की हर स्तर पर मदद करनी होगी जो हमारे इस आंदोलन के मुहिम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में सपाक्स वर्ग के अधिकारी कर्मचारी सपाक्स वर्ग के लोगों की मदद करते हैं, उसी प्रकार अन्य प्रदेश एवं अन्य देश के सपाक्स वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को सपाक्स वर्ग के लोगों की मदद करनी चाहिए। समानता मोर्चा द्वारा दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में सपाक्स पार्टी अध्यक्ष सहित प्रदेश सचिव सुरेश शुक्ला, सह सचिव शंखधर मिश्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र दुबे समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्तागण शामिल हुए। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आदर्श आचार संहिता भी लागू होते ही प्रशासन हरकत में आया और आचार संहिता का पालन कराने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। रायसेन पुलिस ने पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला। आचार संहिता लगते ही पार्टियों के बैनर पोस्टर हटवाए गए। रायसेन SP मोनिका शुक्ला ने थाने पहुंचकर पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए और कोर्ट ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और कानून का सख्ती से पालन करने की बात कही। उन्होंने पुराने वारंटियों की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। रायसेन में निकली वाहन रैली में SP मोनिका शुक्ला भी शामिल रही। आचार संहिता लगते ही प्रशासन हरकत में आया और तत्काल बैनर पोस्टर निकालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। रायसेन कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार पलक पिहडिया के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली के साथ संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने रायसेन नगर में जगह जगह लगे पोस्टर बैनरों को उतरवाने की कार्रवाई की। शाम 6 बजे के बाद हुई इस कार्रवाई में करीब 20 स्थानों पर लगे पोस्टर बैनर हटाए गए। लेफ्ट साइड से खाली के
थाने में 36072 इनके में भी सही आ रहा है, ये निकम साहब के देखो इनके में और क्लियर हो गई। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। बेगमगंज में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज थी। मोटरसाइकिल सवार दो लोग शक्ति फाइनेंस में काम करते थे, जो कि नए बस स्टैंड से थाने की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आकर उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। मुंगेली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमर चुआ के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। उनके इन काले कारनामों की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर को कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि एक वृद्ध महिला के नाम से दो महीने का राशन संचालक ने निकाल लिया। धांधली का पता नहीं चले, इसलिए भ्रष्टाचारियों ने वृद्ध का राशन कार्ड भी जमा करा लिया। रोजगार सहायक पर गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि उसने मनरेगा के तहत किए गए मजदूरों के कार्यों की भी राशि निकाल ली है। स्व सहायता समूह द्वारा दिए जा रहे मध्याह्न भोजन में भी कमी पाई गई है। अपर कलेक्टर राजेश नशीने ने कहा कहना है कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की है। पूरे मामले की जांच करवा कर तीनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। चुआ से हम हमारे ग्राम थाना जरह गाँव आते, तो हमारे ग्राम सही तरीके से काम नहीं हुआ है भैया। उमा हमारे जिन सोसाइटी है वो सोसाइटी में सही तरीके से चावल नहीं मिला है। हमारे महिला वहिला भाई वही सब झनक बहुत तकलीफ होते। और ये बात है कि जखर मतलब सोसाइटी में जखर कार्ड है उखर कार्ड से तो कंप्लीट दस्तखत ले लिए गए, लेकिन उन चावल नहीं मिले हैं। अभी तक हमने कलेक्टर साहब से मिले हैं, मतलब अंदर गए हैं, तो सर बताई सवाए कि मतलब चेक भी करी से, तो वहाँ चेक में देखी सवाए कि एक महिला के चावल, नाम तो नहीं बताऊँ, लेकिन एक महिला के चावल 75 किलो चावल निकल गए। और कार्ड भी है सरपंच साहब, मतलब सरपंच मतलब वहाँ सोसाइटी के अंदर में है, और रख लिए कार्ड भी ला और ला दिए नहीं है, और उखर चावल कंप्लीट निकल गए। और महिला बुजुर्ग है ना, उखर कोई रेख देख करैया है, और मात्र सिंगल मतलब अकेला हवा है, और राशन कार्ड ला ले लिए गए है और राशन भी नहीं मिले थे। जो ग्राम सचिव है वो हमेशा गायब रहता है, और कुछ भी जो पूछते हैं तो उसका सही जानकारी भी नहीं दे पाता। और दूसरी बात यह है, दूसरा जो मनरेगा चलाता है रोजगार सचिव, वो भी कहा जाए तो बहुत फर्जी काम कर रहा है, दूसरे की आईडी यूज करके पैसा निकाल के खा रहा है। मरचुआ से काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ पे आके शिकायत लेकर कि मनरेगा में उनको जो है काम बहुत कम समय का दिया जाता है, पूरे समय काम नहीं दिया जाता है, फर्जी मास्टर रोल बनाया जा रहा है, और उसमें इन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया, और उसके आधार पर राशि वर्षि निकाली जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बोला कि एक बुजुर्ग महिला है वहाँ गाँव की, तो उसको प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा है अभी 2 महीने से। उसका राशन कार्ड भी राशन दुकान वाले ने रख लिया है और राशन उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो इसके लिए हमने एफओ को निर्देशित किया है कि विधिवत वहाँ पे जाकर उसकी जांच करें, मुझे प्रतिवेदन दें कि इसमें क्या कार्रवाई की गई है और क्या गड़बड़ी की गई है वहाँ पे। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर थाना क्षेत्र के पाना बरस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां जमींदार राजा स्वर्गीय लाल श्याम शाह और उनकी पत्नी राजमाता मनमोहिनी देवी शाह के प्रतिभा का अनावरण किया। अनावरण के बाद कुलदेवी कुरकाल देवी तुहपाल और बुढ़ा देव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 4,700 से अधिक किसानों को 7 करोड़ रुपए की राशि का ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने पनाबरस को नवीन ग्राम पंचायत बनाने की भी घोषणा की। किस तरह स्वागत करते हैं?
ये तो सभी इंतजार कर रहे थे, 5 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार की तिथि है, सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी 15 लाख रुपये आएगा सबके खाते में, अच्छे दिन आएंगे और देश में सब अमन चैन होगा। लेकिन आज सब लोग तनाव में गुजर रहे हैं, किसान इनके राज में सबसे ज़्यादा परेशान हुए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने तो नौकरियाँ छीन ली। रिपोर्ट News 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।